बच्चों आवाज आ रही है आप लोग को? यस मैम। चलिए ग्रामर की बुक निकालिए, इंग्लिश ग्रामर। कहाँ तक हो गया था बताइए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कहाँ तक पढ़े थे हर्ष ग्रामर में हम लोग लास्ट क्लास में? मैम पेज नंबर 62 आज पर आना है आपको। मैं अच्छा, मे एंड माइट। यस मैम। यूजेस ऑफ मे एंड माइट। तो आ जाइए, चैप्टर नंबर कौन सा चैप्टर है बताइए? चैप्टर नंबर 15, मॉडल्स। मॉडल्स में हम लोग कौन सा कर रहे हैं मॉडल? मे एंड माइट का यूज है ना। मैम वी यूज मे टू सजेस्ट समथिंग दैट इज पॉसिबल बट नॉट सर्टेन। अब पॉसिबल, पॉसिबल का मतलब क्या होगा बताइए? पॉसिबल का मीनिंग क्या है? पॉसिबल हम जो काम हो सकता है। हाँ सही कह रहे हो। पॉसिबल यानी कि जो हो सकता है, यानी कि जिसकी संभावना है ना। मैम हाँ, और सर्टेन मतलब होता है कुछ, जैसे कि नहीं, जैसे कि पॉसिबल यानी कि संभावना है, ऐसा हो सकता है, और सर्टेन मतलब होगा कुछ या लगभग ऐसा ही कुछ। तो इसके बारे में हम लोग मे एंड माइट का यूज करेंगे। तो मे का यूज कब होता है? जब कोई चीज थोड़ा बहुत लग रही हो, कुछ पॉसिबिलिटी दिख रही हो, तब हम लोग मे और माइट का यूज करते हैं। जैसे ही मे कम टू स्कूल टुडे, है ना। ही मे कम टू स्कूल टुडे कि ऐसा मतलब बहुत एकदम श्योर नहीं है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि वह स्कूल आ सकता है, उसके स्कूल आने की संभावना है। ठीक, नेक्स्ट क्या है? जिसमें कोई श्योरिटी नहीं है, नॉट श्योर, है ना, कुछ श्योर नहीं है, हम लोग ऐसा कह सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी लग रही है, सर्टेन है कि आ सकता है नहीं आ सकता। दे मे वॉन्ट टू गो टू द पार्क। दे मे वॉन्ट टू गो टू द पार्क, है ना। तो वो लोग पार्क जा सकते हैं, है ना, कि वो पार्क जा सकते हैं, वो जाएंगे, एकदम हम श्योर नहीं है, लेकिन वो पार्क जा सकते हैं, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है, ऐसा कुछ संभावना है। और नेक्स्ट हम लोग कैसा यूज करते हैं मे का? वी यूज मे टू आस्क फॉर परमिशन इन फॉर्मल और पोलाइट वे। अब फॉर्मल, फॉर्मल एंड पोलाइट। फॉर्मल का मतलब बताइए क्या है? फॉर्मल मतलब क्या होता है? आप लोग लेटर्स लिखते हैं दो टाइप्स के, एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है ना। तो फॉर्मल में क्या आता है? जो आप स्कूल में लिखते हो या किसी एक ऑफिस में किसी को देना है तो वो लिखते हो, है ना। तो फॉर्मल मतलब होता है बहुत फॉर्मेलिटी, बहुत मैनर के साथ। और पोलाइट मतलब बहुत ही सभ्य तरीके से, है ना, पोलाइटली मतलब बहुत ही सभ्यता के साथ, बहुत ही प्यार से। तो फॉर्मल और पोलाइट वे में भी हम मे का यूज करते हैं परमिशन लेने के लिए। किसके लिए परमिशन? देखो, परमिशन तो हम वैसे भी अपने फ्रेंड से भी लेते हैं कि क्या मैं तुम्हारा टिफिन खा सकता हूँ, लेकिन वो फॉर्मल नहीं कहलाएगा। वो तो तुम ऐसे ही पूछोगे कि कैन आई टेक योर लंच, है ना। लेकिन अगर आपको फॉर्मल, फॉर्मेलिटी के थ्रू पूछना है या किसी से बहुत पोलाइट वे में पूछना है, आदर के साथ, तो हम मे का यूज करेंगे।
जैसे अगर आपका कोई टीचर है, आपको उससे बात करनी है, तो आप उसको क्या बोलोगे? मैम मे आई हैव अ वर्ड विद यू, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? लेकिन अगर फ्रेंड है तो आप क्या बोलोगे? कैन आई टॉक टू यू, है ना? तब तो आप इनफॉर्मल ही बोल दोगे। वैसे ही मे का यूज, और देखिए परमिशन के लिए कैसे हम लोग करते हैं, जैसे मे आई कम इन, ये तो आप हमेशा यूज करते हो ना स्कूल में। यस मैम। मे आई कम इन, समझ रहे हो मे का यूज कैसे करते हैं फॉर्मली? मे आई कम इन, या फिर मे आई टेक द डॉग फॉर अ वॉक, है ना? ये पूछ रहे हैं, मे आई टेक द डॉग फॉर अ वॉक। ठीक, समझ रहे हो परमिशन के लिए कैसे यूज करते हैं फॉर्मली मे का। अब नेक्स्ट देखिए और कैसे यूज करते हैं। वी यूज मे टू ग्रांट परमिशन। अभी हम लोग आस्क परमिशन कर रहे थे, यानी कि पूछ रहे थे, लेकिन अब हम ग्रांट करने के लिए भी मे का यूज करेंगे। किस वे में? इन अ फॉर्मल और पोलाइट वे। अब जैसे कोई फॉर्मली पूछ रहा है आपसे, परमिशन ले रहा है, तो आपको अगर फॉर्मली जवाब भी देना है, रिप्लाई करना है, परमिशन ग्रांट करनी है, तो आप उसको कैसे जवाब दोगे? वी यूज मे नॉट टू डिनाई समवन परमिशन इन अ फॉर्मल वे। लेकिन अगर आपको परमिशन देना है और नहीं भी देना है, वो भी आपको पोलाइट वे में ही बोलना है, मना भी करना है तो किसी बड़े को या किसी को फॉर्मली ही मना करना है, तो वो भी हम कैसे बोलेंगे? यू मे कम इन। अगर हम किसी को फॉर्मली परमिशन ग्रांट कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? यू मे कम इन, हमने परमिशन ग्रांट की। अगर अब हमें किसी को मना करना है, हम मना करना चाहते हैं लेकिन बहुत ही प्यार से और सम्मान के साथ, तो कैसे बोलेंगे? यू मे नॉट टेक द डॉग फॉर अ वॉक। यू मे नॉट टेक द डॉग फॉर अ वॉक। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए मे का यूज कैसे होता है। वी यूज मे टू गिव ब्लेसिंग्स एंड बेस्ट विशेस। आपने देखा होगा हम लोग किसी को ब्लेसिंग देते हैं या बेस्ट विशेस। अभी न्यू ईयर आया था, सबने एक दूसरे को ब्लेसिंग दी, बेस्ट विशेस की, न्यू ईयर विश किया। तो अगर हम किसी को ब्लेसिंग और बेस्ट विशेस देते हैं तो कैसे कहते हैं? मे गॉड ब्लेस यू, है ना? मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको खुश रखे, है ना? फिर yes, और कैसे हम लोग विश करते हैं? मे यू बी ब्लेस्ड विद सक्सेस। मे यू बी ब्लेस्ड विद सक्सेस, है ना? तो ऐसे ही हम लोग मे का यूज करेंगे। ये आपको तरीके बताए जा रहे हैं ताकि आप इसको अपने बोलने के उसमें वे में भी शामिल करो, और लिखना है तो भी एकदम करेक्टली लिखो, क्योंकि ये सब कुछ हम लोग नॉर्मल लाइफ में बोलते हैं ना, किसी को ब्लेसिंग देनी है कि भगवान आपको खुश रखे, या मे ऑल यू अचीव ऑल द सक्सेस इन योर लाइफ, और किसी से परमिशन लेनी है फॉर्मल वे में, तो आप ऐसे बोल सकते हो, है ना? तो ध्यान से ये सब चीजें पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। फिर वी यूज माइट और माइट नॉट व्हेन वी आर नॉट श्योर फॉर समथिंग। हम लोग माइट का, अभी हमने देखा मे का यूज, अब हम माइट का यूज कैसे करेंगे? अभी हमने मे का यूज किया, अब देखो माइट कैसे यूज करेंगे। मे और माइट, व्हेन वी आर नॉट श्योर फॉर समथिंग, हम लोग मे माइट का यूज तब भी करते हैं जब श्योर नहीं होते हैं। जैसे आई माइट बी लेट फॉर माई डांस क्लास टूडे, आई माइट बी लेट फॉर माई
डांस क्लास टुडे, है ना। हो सकता है मैं लेट हो जाऊं, मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन हो सकता है मैं लेट हो जाऊं कहां के लिए, अपनी डांस क्लास के लिए। नेक्स्ट क्या है, चेतन माइट कम होम टुमारो, चेतन जोर को घटा दिया, कम होम टुमारो, तो हो सकता है कि चेतन कल घर आ जाए, ऐसा कुछ श्योर नहीं है लेकिन हो सकता है कि चेतन घर आ जाए। तो आपके ये मे और माइट के यूजेस हैं। नेक्स्ट क्या है बताओ, इसके आगे क्या लिखा है बताइए। शुड, सेल, शुड, बिल, गुड। हाँ, पहले इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। समझ में आया कि नहीं मे और माइट का यूज? मे का यूज हम कई तरीकों से करते हैं और माइट का यूज हम लोग कब करते हैं, जब हम कुछ श्योर नहीं होते। तो बताइएगा फिर इन द ब्लैंक्स विद मे, मे नॉट, माइट और माइट नॉट। एक आपके लिए देखो किया हुआ है, जैसे द टेलर माइट नॉट स्टिच द क्लोथ सून, ये आपका एक हो गया। अब नेक्स्ट आप बताइए डैश लव बी विद यू, क्या लिखेंगे यहाँ पे बताइए। मैं करेक्ट, मैं लव बी विद यू, मैं यानी कि ब्लेसिंग दी जा रही है, लक दिया जा रहा है, तो यहाँ पे ब्लेसिंग के लिए हम मैं का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए थर्ड वाला, यू डैश have been hit by that, क्या होगा यहाँ पे? मम्मी, यहाँ पे कुछ संभावना बताई जा रही है, कुछ पॉसिबिलिटी बताई जा रही है, श्योर नहीं है क्या होगा कि आप उससे हिट नहीं। मे नॉट, हाँ मे नहीं, मे का हम सजेस्ट करते हैं, सजेशन देते हैं किसी चीज के लिए, परमिशन देते हैं, परमिशन लेते हैं। जब हम कुछ किसी चीज के लिए श्योर नहीं है तो क्या लिखेंगे बताइए। देन वी आर नॉट श्योर फॉर समथिंग, हाँ नॉट कैसे हो जाएगा बेटा, यू माइट हैव बीन हिट बाय दैट, आप इससे हिट हो सकते हैं, तो माइट होगा यहाँ पे। यस मैम। नेक्स्ट देखिए, रिधि गो टू द बैंक विद मी, क्वेश्चन पूछ रहा है, रिधि गो टू द बैंक विद मी, क्या होगा यहाँ पे? क्वेश्चन वर्ड है यानी कि कुछ पूछ रहा है, बताइए। क्या होगा यहाँ पे? मैं होगा, मैं रिधि गो टू द बैंक विद मी। फिर यस मैम, फिफ्थ वाला चिराग, यू डैश कैच अ कोल्ड इफ यू गेट वेट इन द रेन, कि चिराग यू डैश क्या होगा, मे या माइट? मे या माइट, माइट नॉट, हाँ गलत, May catch a cold if you get wet in the rain, यहाँ पे सजेशन भी दिया जा रहा है, साथ ही साथ मना किया जा रहा है, तो यहाँ पे may आएगा। I thought Gauri dash be able to help me, but she couldn't, यहाँ पे क्या होगा? मुझे लगा कि गौरी be able to help me, मेरी मदद करेगी, but she couldn't, लेकिन उसने नहीं की, क्या होगा यहाँ पे? माइट, माइट। नेक्स्ट है सेवेंथ वाला, आई डैश अटेंड योर पार्टी एज माई रिलेटिव्स आर कमिंग ओवर टूडे, यहाँ पे संभावना जताई जा रही है कुछ करने की, क्या होगा बताइए? करने की, हाँ माई नॉट, हो सकता है माई नॉट, मे
I may attend your party as my relatives are coming over today. Last वाला बताइए you dash be allowed to take a day off this week. There is too much work to complete. मतलब यहाँ पे किसी चीज के लिए मना किया जा रहा है कि आपको छुट्टी नहीं मिलेगी क्योंकि there is too much work, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा काम है. जल्दी बताओ. Might not. ध्यान तो है ही नहीं किसी का क्लास में. Uses of shall, should, will, would. हम लोग किसका यूजर देखेंगे? Shall, should, will और would. चलिए देखते हैं. जहां ना समझ में आए पूछो कि ये चीज समझ में नहीं आ रही है. पूछना ही नहीं आता आप लोगों को. एक भी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं दे पा रहे हो. यूजेस ऑफ शैल, शुड, विल, वुड. अब इनका यूज कैसे करते हैं? We use both shall and will to express the future tense. अब आपको पता है कि shall और will का यूज हम लोग कब करते हैं? Future tense के लिए, यानी कि जो भविष्य की बात होती है कि ये होगा, ऐसा होगा, तो उसके लिए हम लोग shall और will का यूज करते हैं. ये helping verb की तरह काम करता है. किस टेंस के बारे में बताने के लिए? फ्यूचर टेंस के बारे में, कि ये होगा या ये हो जाएगा. हाँ, फिर वी यूजली यूज शैल इन द फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन कौन होता है? आई और वी, ये आपके फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं. आई और वी हमेशा फर्स्ट पर्सन कहलाए जाते हैं. तो आई वी के साथ हमेशा हम किसका यूज करते हैं? शैल का. आई वी फर्स्ट पर्सन के साथ हम लोग शैल का यूज करते हैं. एंड टू एक्सप्रेस द फ्यूचर टेंस को बताने के लिए. अब देखिए कैसे. आई शैल गो टू माई फ्रेंड हाउस. तो यहाँ पे आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, तो उसके साथ हमने शैल का यूज किया. और क्या बता रहे हैं? फ्यूचर की बात हो रही है. आई शैल गो टू माय फ्रेंड्स हाउस, मैं अपने फ्रेंड के घर जाऊंगा, है ना. आई शैल गो टू माय फ्रेंड्स हाउस, मैं अपने फ्रेंड के घर जाऊंगा. अब नेक्स्ट क्या है? एक और फर्स्ट पर्सन क्या है बताइए. नेक्स्ट फर्स्ट पर्सन क्या है? फर्स्ट पर्सन कौन कौन से हैं? दो बताए हमने. जब ज्वाइन किया है क्लास तो पढ़ने के लिए ज्वाइन किया करो, बैठने के लिए नहीं. बैठना है तो ऐसे ही बैठो. क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं दे? अभी भी हमने बताया कि आई और वी फर्स्ट पर्सन है, क्यों नहीं बता रहे हो? यस मैम. वी शैल फाइंड द वे टू द म्यूजियम. तो फर्स्ट पर्सन कौन कौन है? आई और वी. इसके साथ हमेशा हम शैल का यूज करेंगे. आई शैल गो टू माय फ्रेंड हाउस, यानी कि मैं अपने फ्रेंड के घर जाऊंगा. नेक्स्ट क्या है? वी शैल फाइंड द वे टू द म्यूजियम, हम म्यूजियम का रास्ता ढूंढ लेंगे, है ना. फाइंड मतलब ढूंढना, और शैल है इसका मतलब कि फ्यूचर की बात हो रही है ना. नेक्स्ट क्या है? Should is the conditional form to shall. Shouldn't is the short form of should not. अब should जो है वो conditional form है. Condition जब लग जाएगी, condition यानी कि ये होगा तो ऐसे होगा, ठीक. उसके साथ shall का और should का use करते हैं. और should not कब होगा? जब negative में आ जाएगी बात. तो should not को short form करने के लिए हम
शुडेंट लिखते हैं। यस मैम। देखिए शुड का यूज कैसे होता है, आई शुड हैव गॉन टू सी विजय हु इज अनवेल। ठीक, बोलो gone to see विजय, आगे क्या है, विजय who is unwell। अब मुझे जाना चाहिए कहाँ जाना चाहिए, किसके किए मुझे कहाँ जाना चाहिए, gone to see विजय। हाँ, मुझे जाना चाहिए कहाँ पर, विजय को देखने। क्यों जाना चाहिए, who is unwell, कंडीशन है ना, है क्यों जाना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, अनवेल का मतलब क्या होता है बच्चों, बीमार है। वेरी गुड, तो आई शुड हैव गॉन टू सी विजय हु इज अनवेल, मुझे जाना चाहिए विजय को देखने के लिए, क्योंकि कंडीशन क्या है, क्यों जाना चाहिए, क्योंकि वह बीमार, क्योंकि वह बीमार है। नेक्स्ट क्या है सेंटेंस, कृष्णा शुड हैव सीन द फीडिंग कार। अब कृष्णा को क्या देखना चाहिए कि जो कार है वो बहुत स्पीड में है ना, शुड यानी कि चाहिए, तो कृष्णा शुड हैव सीन द स्पीडिंग कार, कृष्णा को जो कार की स्पीड है वो देखना चाहिए। अब शुड को निगेटिव में कैसे करेंगे, शुडेंट या शुड नॉट, है ना, तो यू शुड नॉट हैव disrespected your mother। अब should है यानी कि past tense है, तो तुम्हें अपनी माँ की disrespect नहीं करनी चाहिए, है ना, तो ये should को not लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, you shouldn't have disrespect to your mother। Next क्या है, Fateh should not have gone out when it was raining। Should not का short form क्या होता है बताइए, अब देखो was लग गया है, was का मतलब ही होता है past tense, हाँ was मतलब होता है past tense, तो should भी past tense है, लेकिन यहाँ पे मना किया जा रहा है, अभी तक हम कहते कि इसको करना चाहिए, कृष्णा should have seen the speeding car, कृष्णा को रफ्तार वाली जो कार है उसको देखना चाहिए, लेकिन अब नहीं चाहिए का क्या हो जाएगा, Fateh should not have gone out when it was rain, Fateh को नहीं जाना चाहिए था जब क्या हो रहा था, when it was क्या होगा, when it was rain, है ना, नहीं चाहिए, नहीं जाना चाहिए। ठीक, बताओ हर्ष क्या समझ में नहीं आ रहा इसमें, जल्दी बताओ, हम बहुत स्पीड में पढ़ा रहे हैं क्या, बताइए, और हमें स्लो पढ़ाना चाहिए, हर्ष आई एम आस्किंग टू यू बेटा, क्यों समझ में नहीं आ रहा है, बातें क्यों समझ में नहीं आ रही है, कहां पे क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको समझने में, नेक्स्ट देखते हैं, वी यूज शुड टू गिव एन ओपिनियन, ओपिनियन का मतलब क्या होता है बताइए, ओपिनियन सुझाव है ना, कोई सुझाव देना, जैसे हम आपको कुछ सुझाव दे रहे हैं, अपना ओपिनियन रख रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, जैसे हम अपना बात कैसे रखेंगे, यू शुड नो द वे टू द पार्क, हमने अपना ओपिनियन क्या दिया, यू शुड नो द वे टू द पार्क,
तो हमने अपना ओपिनियन क्या दिया है कि तुम्हें पाक का रास्ता जानना चाहिए, तुम क्यों नहीं जानते, तुम्हें पाक का रास्ता जानना चाहिए, जो द वे टू द पाक यानी कि पाक का जो रास्ता है वो आपको जानना चाहिए। ठीक, ये हमारा ओपिनियन है, हम आपको कह रहे हैं कि आपको इतनी जो ये चीजें हम बता रहे हैं ये आपको आनी चाहिए। तो ये मेरा ओपिनियन है कि एज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 यू शुड नो दीज थिंग्स, है ना, आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। ठीक, समझ रहे हो ओपिनियन का मतलब। माय फादर शुड रीच होम बाय 6 o'clock, है ना, माय फादर शुड रीच बाय 6 o'clock। तो यहाँ पे हमने अपना ओपिनियन क्या रखा कि माय फादर शुड रीच होम बाय 6 o'clock यानी कि मेरे फादर को 6 o'clock को 6 बजे घर पर पहुंच जाना चाहिए। रीच मतलब पहुंचना, है ना। अब नेक्स्ट देखिए, वी शुड वी यूज शुड टू एक्सप्रेस अ ड्यूटी और एन ऑब्लिगेशन, हमको अपना कोई कर्तव्य या कुछ काम बताने के लिए भी शुड का यूज हम करते हैं। जैसे वी शुड ओबे द लॉ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओबे, ओबे, हाँ ओबे का मतलब क्या होता है, आप लोग जब एप्लीकेशन लिखते हो योर्स ओबीडिएंटली लिखते हो ना लास्ट में, यस मैम, हाँ तो ओबीडिएंटली का मीनिंग क्या होता है मैम, मैं आपका आज्ञाकारी शिष्य। वेरी गुड हर्ष, बहुत अच्छे, ओबीडियंटली यानी कि आज्ञाकारी, ओबे यानी कि आज्ञा का पालन करना, है ना, उसी का ओबे से ही बना है ओबीडियंटली। तो जब किसी चीज को ओबे करना है, किसी बात को मानना है, तो उसके लिए हम शुड का यूज कैसे करते हैं, वी शुड ओबे द लॉ या पीपल शुड ओबे द लॉ। लॉ मतलब होता है जो नियम कानून, तो लोगों को क्या करना चाहिए, कानून को फॉलो करना चाहिए, पालन करना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्या है, वी शुड लिसन टू आवर पेरेंट्स, तो हमें अपनी मम्मी पापा की बातें सुननी चाहिए, वी शुड लिसन टू आवर पेरेंट्स, हमें अपने मम्मी पापा की बातें सुननी चाहिए, है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है, शुड का यूज, वी यूज शुड टू एक्सप्रेस अ, हाँ ये तो हो गया। नेक्स्ट है वी यूज शुड टू एक्सप्रेस अ सजेशन और गिव एडवाइस, अब यहाँ पे भी हम सजेशन भी दे सकते हैं और एडवाइस। सजेशन मतलब क्या होता है बच्चे, बच्चों बताइए, सजेशन और एडवाइस राय देना ना, अपनी अपना कोई आइडिया देना या कोई राय देना, कुछ सजेस्ट करना ना। जैसे अभी सुमित हर्ष को सजेस्ट करेगा कि हर्ष तुम्हें थोड़ा सा और बोलना चाहिए, या हर्ष सुमित को सजेस्ट करेगा कि सुमित तुम्हें और क्लास में आना चाहिए, ये सजेशन होता है ना। यस मैम, तो वी यूज शुड टू एक्सप्रेस आवर सजेशन और गिव एडवाइस, जैसे कि वी शुड कीप योरसेल्फ, हाँ यू शुड कीप योरसेल्फ वार्म इन दिस कोल्ड वेदर। यहाँ पे हमने क्या एडवाइस दी है, कौन बताएगा, शुड, यू शुड कीप, नहीं नहीं शुड का तो हमने यूज किया है ना, एडवाइस क्या दी है, कोल्ड बिना, कहिए यू शुड कीप योरसेल्फ वार्म इन दिस कोल्ड वेदर, बेटर कोल्ड वेदर बताइए, एडवाइस हम क्या दे रहे हैं,
मैम कोल्ड वेदर। हमें तुम्हें अपने आप को क्या करना चाहिए, वार्म रखना चाहिए, गर्म रखना चाहिए इस ठंडे मौसम में, इस कोल्ड वेदर में। तो ये हम क्या कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं उसका, शुड का यूज। हाँ ये इतना यूज है शुड का। अब कौन सा आता है, वी यूज विल, ही शी, इट, दे, यू एंड सिंगुलर एंड प्लूरल नाउंस टू एक्सप्रेस द फ्यूचर टेंस। हम लोग विल का यूज किस लिए करते हैं, फ्यूचर टेंस के लिए करते हैं ना। ये तो आपको बताया हमने कि शैल और विल का यूज हम लोग फ्यूचर टेंस के लिए करते हैं। अब विल को किसके साथ यूज करते हैं, अभी तो हमने शैल शुड का यूज देखा, अब हम विल का और वुड का यूज देखेंगे। विल यानी कि प्रेजेंट में बात हो रही है और वुड यानी कि जो हो गया था या होगा उसकी बात हो रही है। जैसे आई वी कौन कौन है, नहीं ही शी इट दे यू, इन सब के साथ हम लोग विल का यूज करेंगे। अभी हमने आपको बताया कि शैल का यूज किसके साथ करते हैं, फर्स्ट पर्सन। कौन कौन है फर्स्ट पर्सन, आई वी, आई और वी, सिर्फ इन्हीं के साथ हम शैल का यूज करेंगे फ्यूचर टेंस। लेकिन अगर हमको विल का यूज करना है तो हम किसके किसके साथ विल का यूज कर सकते हैं, ही सी इट दे यू एंड सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स, इन सब के साथ हम विल का यूज करेंगे। जैसे कि वी यूज will with I and we to show certainty. Certainty मतलब जब कोई चीज जरूर होनी है, definitely होनी है, तो उसके साथ हम कभी कभी I और we के साथ भी will का use कर दे रहे। जैसे I will definitely do it, तो definitely do it मतलब मैं जरूर करूंगा, तो वहां पे भी आप first person के साथ will लगा सकते हो। या फिर we will definitely do it, तो जब जरूर कुछ करने की बात होती है तब हम फर्स्ट पर्सन के साथ भी क्या लगा सकते हैं, विल लगा सकते हैं। नहीं तो अगर नॉर्मली कोई भी वाक्य है, कोई भी सेंटेंस है, तो उसके साथ सिर्फ आई और वी के साथ सिर्फ शैल ही लगेगा। तो अब विल का यूज देखते हैं कैसे कैसे होता है। ही विल रीड द स्टोरी अलाउड, ही विल रीड द स्टोरी अलाउड, उस वो ये जो स्टोरी है उसको तेज तेज पढ़ेगा, है ना। गा गी गे, फ्यूचर की बात हो रही है तो विल। फिर और कैसे उसका यूज करेंगे विल का, सुमोना विल प्ले द पियानो फॉर द असेंबली। असेंबली के लिए कौन पियानो प्ले करेगी, करेगी यानी कि फ्यूचर टेंस है, विल है, तो सुमोना क्या करेगी, वो प्ले करेगी पियानो। नेक्स्ट विल का यूज कैसे करते हैं, रिक्वेस्ट और एक्सटेंड एंड इनविटेशन। रिक्वेस्ट करेंगे या फिर किसी भी इनविटेशन को बढ़ाने के लिए, उसके लिए बोलने के लिए इनविटेशन के लिए। जैसे विल यू लेंड मी योर रूलर, क्या तुम मुझे अपना रूलर दोगे। नेक्स्ट है विल यू कम टू माई हाउस फॉर डिनर, क्या तुम मेरे घर डिनर के लिए आओगे। गा गी गे का यूज जब भी करेंगे तब हम विल का यूज लगाएंगे। नेक्स्ट है वुड इज द कंडीशनल फॉर्म ऑफ विल। अब वुड जो है वो कंडीशनल फॉर्म है किसका, विल का। जैसे शैल का शुड था, है ना, वैसे ही अब विल का क्या है, वुड है। तो महेश सेड दैट ही वुड हेल्प मी, महेश ने मुझे कहा कि वो मेरी हेल्प करेगा। दिनेश सेड दैट ही वुड बी 10 इयर्स ओल्ड दिस नवंबर, दिनेश ने मुझसे कहा था कि वो 10 साल का हो जाएगा, कब, नवंबर में। वुड इज कंसिडर्ड
पोलाइटर देन विल। अब वुड का यूज और कैसे करेंगे हम? विल तो हम करते थे गागी गे के लिए, फ्यूचर टेंस के लिए, सेकंड जितने भी आई वी कुछ जितने भी सारे प्रोनाउंस थे, लेकिन अब वुड का यूज एक और तरीके से होगा, विल वाले सेंटेंस के ही साथ होगा, लेकिन विल से ज्यादा पोलाइटली अगर हमें बोलना है। जैसे अभी विल तो हम अपने फ्रेंड को भी बोल दे रहे थे, लेकिन अब हमको उसी बात को पोलाइट वे में बोलनी है फ्यूचर टेंस में, तब हम विल की जगह पर क्या लगा देंगे? वुड लगा देंगे। जैसे वुड यू लैंड मी योर रबर रेड कोट फॉर द पार्टी। अभी तक हमने बोला कि विल यू लैंड मी योर रूलर, क्या तुम मुझे अपना रूलर दोगे, लेकिन अब हम बहुत पोलाइटली कह रहे हैं। कैसे कह रहे हैं? वुड यू लैंड मी योर रेड कोट फॉर द पार्टी, क्या तुम मुझे रिक्वेस्ट करते कि क्या तुम मुझे अपना कोट दोगे। नेक्स्ट है वुड यू लैंड मी अ 100 रुपीज, क्या तुम मुझे 100 रुपीज दे दोगे। अब वी यूज वुड टू एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग डिजायर। स्ट्रॉन्ग डिजायर, डिजायर मतलब होती है इच्छा, स्ट्रॉन्ग यानी कि बहुत तीव्र इच्छा, बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है, उसको बताने के लिए भी हम लोग इसका यूज करेंगे वुड का। जैसे द चिल्ड्रन वुड लव टू गो फॉर अ पिकनिक, बच्चों को बहुत ही पसंद है पिकनिक पर जाना। नेक्स्ट क्या है वुड का यूज? आई लाइक यू टू कीप क्वाइट एंड नॉट मेक नॉइज, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप शांत रहोगे और शोर नहीं मचाओगे। तो चलिए ये आपका चैप्टर यहाँ से एंड हो गया है। इसके आगे जो ये एक्सरसाइजेस हैं और इसको हम और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके? यस मैम। चलिए, नहीं अभी मस्ट का भी यूज बचा हुआ है ना? यस मैम। तो मस्ट का यूज और ये जो मे वो शैल और विल की जो एक्सरसाइज है उसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में, ठीक? जो अभी है, जो चल रहा है, उसको आप लोग थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, ठीक? जो चीजें समझ में नहीं आ रही उसको एक बार प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, सेल्फ स्टडी करो, तो वो चीजें और क्लियर हो जाएंगी, ओके? और फिर भी अगर ना समझ में आया नेक्स्ट क्लास में, तब इसके बारे में हमसे पूछ लेना, ओके? यस मैम। चलो, थैंक यू बच्चों, बाय बाय। थैंक यू मैम।